यहाँ पर एक नया यूज है, हैज हैव। हैज हैव का यूज और हैड, ये पास्ट में हैड का यूज होगा और फ्यूचर में या तो विल हैव या तो शैल हैव का यूज होगा। इन सब का यूज किया जाता है पजेशन के लिए। किसके लिए? पजेशन। पजेशन मीन्स होता है अधिकार के लिए, अधिकार के लिए। क्लियर है? और ये जनरली ये सेंस पास से निकलता है। जैसे अगर हैज और हैव की बात करें तो इसका सेंस पास है से निकलता है। क्लियर है? पास है के लिए। जैसे अगर मैं कहूं मेरे, और एक चीज और याद रखना बेटा, हैज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स ही, सी, इट और वन नेम या कोई भी ऐसी चीज जो कि एक हो, वहां पर हैज होता है। और हैव का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, पी एस, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब हुआ आई, वी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। क्लियर है? टू नेम और मोर देन टू नेम हो। क्लियर है? या कोई भी चीज जो प्लूरल हो वहां पर किया जाएगा हैव। क्लियर? जैसे मैं कह दूं, और एक चीज और याद रखना, हैज या हैव के केस में मेरे की इंग्लिश होती है माई नहीं बल्कि आई होती है। क्लियर है? तुम्हारे की इंग्लिश क्या होती है? योर नहीं बल्कि यू होती है। और आपके, अब याद रखना यहां पर, आपके की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। आपके की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। और हमारे, हमारे की इंग्लिश आवर नहीं बल्कि क्या होती है? बी होती है। क्लियर है? हमारे की इंग्लिश क्या होती है? बी होती है। और उनके, उनके की इंग्लिश होती है दे होती है। उनके की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। क्लियर है? और उसके, देखो यहाँ, उसके, उसके की इंग्लिश अगर मेल है तो ही और फीमेल है तो क्या होगी? सी होगी। याद रहेगा इतना? बोलो, याद रहेगा? चलो, अगर मैं कह दूं मेरे पास, मेरे पास एक कार है, है ना, मेरे पास एक कार है, तो यहां देखो मैंने बताया था ना पजेशन अधिकार है कि नहीं। कार किसकी है? मेरी है ना। मेरे पास कार है, तुम्हारे पास कार है। पजेशन क्या है? मेरे का है ना, तो यहाँ पर आई हो गया। अब बोलो आई के साथ क्या लगाओगे? यहाँ पर हैज की हैव लगाओगे, हैव लगाएंगे। क्यों? आई प्लूरल है तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। समझ में आया? क्लियर है? अगर मैं कह दूं उसके पास है ना, उसके पास एक मोबाइल है। चलो अभी आप बताओ इसको कैसे बोलेंगे? उसके पास एक मोबाइल है। यहां बताइए उसके की इंग्लिश क्या होगी? ही। अगर मेल मानेंगे तो ही। अब यहाँ मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर मैं मेल मान रहा हूं तो ही होगा। ही के साथ क्या लगेगा? हैज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। अगर मैं फीमेल मानता हूं तो क्या हो जाएगा? सी हैज अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। अभी बोलो समझ में आया? इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ होते हैं छुपा रुस्तम होते हैं। ये क्या है? उसमें पास है ऐसे मिलता नहीं, आपको दिमाग लगाना रहेगा। जैसे मैं कह दूं मुझे जुखाम है। क्या है? मुझे जुखाम है, मुझे कोल्ड है। आप बताओ क्या होगी इसकी इंग्लिश? अच्छा, मुझे जुखाम है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? मैं जुखाम हूं कि मेरे पास जुखाम है? मैं जुखाम हूं, मैं जुखाम हूं। अरे गॉड, मुझे, मेरे पास जुखाम है ना, इसका अब आप बताओ, ध्यान से बताना। मुझे जुखाम है, इसका मतलब क्या, सही सेंस क्या निकलता है? मैं जुखाम हूं या मेरे पास जुखाम है? मेरे पास जुखाम, मेरे पास जुखाम है ना। तुम तो जुखाम नहीं हो ना, कि जुखाम हो? नहीं हो। मेरे पास जुखाम है तो क्या होगा? आई है कोल्ड। अब यहाँ देखो ये छुपा रुस्तम है कि नहीं? ये कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर मैं कह दूं, जैसे देखो
मेरे दो भाई हैं। तो बताओ मेरे दो भाई हैं इसका मतलब क्या निकल रहा है? मेरे पास दो भाई हैं, यही तो आ रहा है ना सेंस। तो क्या होगा? आई हैव टू ब्रदर्स। क्लियर है? समझ में आया? बोलो क्लियर है ना? अगर प्रेजेंट का सेंस रहेगा, पास है ना, अगर है आया तो क्या लगाओगी? हैज या हैव। लेकिन अगर मैं कह दूं ऐसे कि मेरे पास एक कार थी, तो थी किसमें चला गया? पास्ट में। थी किसमें चला गया बेटा? पास्ट में। तो पास्ट के लिए क्या लगाना? देखो हैड। ये प्रेजेंट के लिए लगाना। और प्रेजेंट कैसे पहचानोगे? है याद आया कुछ? हो और हूं। और पास्ट कैसे पहचानोगे? था थी थे। और फ्यूचर कैसे पहचानोगे? गा गी गे। जैसे अगर मैं कह दूं क्या कह दूं भाई, चलो मैं अब कार मान लो किसी ने चुरा ली, मेरे पास कार थी, मेरे पास कार थी, तो क्या हो जाएगा? आई। अब बोलो अब पास्ट में चले गए ना, तो पास्ट के लिए किसका यूज किया जाता है? हैड। गुड। तो क्या हो जाएगा? आई हैड आ कार। समझ में आया? मैं कह दूं मुझे जुखाम था, इसका मतलब क्या निकल रहा है? बोलो इसका मतलब है मेरे पास जुखाम था। तो क्या हो जाएगी इंग्लिश? आई हैड कोल्ड। समझ में आया? समझ में आया? मेरे दो भाई थे, इंग्लिश क्या होगी? आई हैड टू ब्रदर्स। क्लियर है? समझ में आया? उसके पास मोबाइल था, ये क्या हो जाएगी इंग्लिश? नहीं, ही हैड अ मोबाइल या सी हैड अ मोबाइल। समझ में आया? यानी कि अगर पास्ट की बात करेगा तब क्या लगा देना? हैड। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करे तो बिल हैव या सेल हैव। आई और बी के साथ क्या लगाना? सेल हैव। और बाकी सबके साथ क्या लगा देना? बिल हैव। याद रहेगा ना? अदर के साथ क्या लगाना? बिल हैव। और आई और बी के साथ क्या लगाना? सेल हैव। अब जैसे मैं कह दूं मेरे पास कार होगी, है ना, मेरे पास एक कार होगी। चलो अभी इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? बोलो सेल हैव। आई सेल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी। अभी है नहीं, वो सब खो गई, अब होगी, है ना। अच्छा अगर मैं कह दूं मुझे नहीं, रानी को जुखाम होगा, अब बताओ इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? रानी। रानी ये पानी भरती हैं। अच्छा चलो, रानी इनके साथ क्या लगाएंगे? बिल हैव या सेल हैव? बिल हैव, क्योंकि सेल हैव किसके साथ लगेगा? आई और बी के साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रानी बिल हैव कोल्ड, रानी को जुखाम होगा, जुखाम होगा पक्का। अच्छा समझ में आया? मैं कह दूं मेरे दो भाई होंगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई सेल हैव टू ब्रदर्स। अगर मैं कह दूं उसके पास मोबाइल होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी? रुको आप बताओ, उसके पास मोबाइल होगा, उसके पास होगा ही बिल हैव मोबाइल। He will have a mobile या she will have a mobile। तो समझ में आया? देखो अगर प्रेजेंट के लिए कहेगा तो क्या लगाना? हैज या है। पास्ट के लिए कहेगा तो हैड। और फ्यूचर के लिए पजेशन हो तो विल हैव या सेल हैव। क्लियर है? एक एक करके दिखाओगे? चलो बेटा अब आप पहले आप बताओ, अगर मैं कह दूं तुम्हारे पास एक पेन है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू प्रेजेंट की बात है ना, हाँ। तो क्या लगाओगी? हाँ तो यू हैव आ पेन। यू हैव आ पेन। अब बता दो बेटा तुम्हारे पास एक पेन थी, इसको कैसे बोलेंगे? तुम्हारे पास एक पेन थी। हाँ यू हैड आ पेन, मीन्स पास्ट के लिए हैड लग जाएगा। चलो आप बता दो, अगर मैं इसी को फ्यूचर में कर दूं तो
तुम्हारे पास एक पेन होगी। यू चलो आप बता दो। अच्छा आप बताओ। यू बिल हैव अ पेन। क्लियर है? अब बताओ मेरे दो प्लॉट हैं। प्लॉट हैं। हाँ। माय नहीं आई प्लॉट प्लॉट है। I have two plots. अब बता दो बेटा मेरे दो प्लॉट थे अब नहीं है। मेरे दो प्लॉट थे। आई हैड पास्ट की बात है ना। आई हैड टू प्लॉट्स। अब बता दो मेरे दो प्लॉट होंगे। मेरे दो प्लॉट्स होंगे। I will have two plots. क्लियर है? अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इतना बता रहा हूँ, बहुत है इतना। क्लियर? एक बार प्रैक्टिस कर लोगे पूरा डायरेक्ट बताओ।